क्या टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स कमबैक करने का मौका देंगे टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को, बट ये ग्रेनेड नियो के द्वारा कुछ अच्छे हाई ग्राउंड्स कुछ अच्छे रिजेस से जाता नजर आएगा। जोकर एंड मान्या को काफी ज्यादा जो डैमेज है वो देगा, लेकिन अगर एक अच्छा ग्रेनेड जाके गिरता है आई एम डेफिनेटली श्योर एक साथ दो दो तीन तीन प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे। यहाँ पर एक नहीं दो दो प्लेयर्स को अपने ग्रेनेड के साथ टेक डाउन करते नजर आएंगे। मान्या भी यहाँ पर एक सोलो सर्वाइवर और पलक झपकते यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स इस मैच से यहाँ पर जो एलिमिनेट है वो होती नजर आ रही है। हाइड्रा फाइनली हम देखेंगे, बट वहीं पे टीम सेल्स ने इस मौके का फायदा उठाया फॉल बैक करके खुद के लिए जोन में पोजीशन सिक्योर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए बैक टू बैक यहाँ पर टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स भी कुछ अच्छे एंगल्स लेते नजर आएंगे, लेकिन टीम सोल के प्लेयर्स दिक्कतों में डाल सकते हैं टीम हाइड्रा के प्लेयर्स को, लेकिन दूसरी तरफ गिल रुकने का नाम नहीं ले रहे टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स को, एक एक करके बैकफुट में ढकेलना चाहते हैं। लेकिन जोनाथन का अभी के लिए कुछ ऐसा ही ग्रेनेड आया था थोड़ी देर पहले जैसे ग्लोबल स्पोर्ट्स काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन एक बार वापस से हाथ में यूएमपी लेकर आगे जा रहे, लेकिन ब्लाइंड के स्पाई ओपी को भी करा जाकर टेक डाउन। रेज का ये ग्रेनेड इस पावर को कर देगा टेक डाउन पूरी तरीके से फिनिश ऑफ कर देगा। नियो भी करे जा रहे टेक डाउन गॉबलिन के द्वारा, दूसरी तरफ टीम हाइड्रा के प्लेयर से गेट करके जो टेक डाउन है वो करे जा रहे हैं, आते टेक डाउन जरूर से करें। फाइनली टीम गॉटल कैप पे पुश देखने को मिलेगा, वहीं पे हेक्टर ग्रेनेड के साथ जरूर से नजर आएंगे। नाउ दिस फाइट इज गोना बी फॉर दैट 3v3 सिनेरियो। गिल ने ओमेगा को भी टेक डाउन किया, एक एक करके टीम सोल के लिए मुश्किल जरूर से पड़ेगी। हेक्टर सामने टेक डाउन करते हुए जरूर से नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक ग्रेनेड्स करके थोड़ी से रोकने की कोशिश, बट हेक्टर को भी वहां पर पिक ऑफ किया जाएगा। नाउ गॉब्लिन अपनी टीम से आखिरी प्लेयर सरवाइव करते हुए रखेंगे, लेकिन शॉट आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, बीच में फंसते नजर आ रहे हैं टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स, लेकिन टीम वॉकआउट की जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। नियो के ऊपर ये मोलोटोव काफी ज्यादा लकी रहे कि ये कॉर्नर को अच्छी तरीके से मेंटेन करा, अन्यथा यहाँ पर एक हल्का सा भी स्प्लैश डैमेज लगता तो वो काफी ज्यादा दिक्कतों में डालता, लेकिन टीम वॉकआउट की तरफ से अबरार कर दिया जाएगा टेक डाउन। एंड युवा और बियर्ड बाबा ओपी स्टिल वेट करते नजर आ रहे हैं, और नियो पूरी तरीके से जोनाथन के साथ वेट करेंगे, लेकिन नियो तो देखिए जोन के बाहर जाकर एक एक करके टेक डाउन करेंगे। और टीम वॉकआउट की तरफ से एक सोलो सर्वाइवल, लेकिन हीलिंग का देखा क्या मौका मिलेगा युवा को, या फिर युवा जोन के बाहर आकर यहाँ पर जो जोनाथन को भी टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन टीम वॉकआउट यहाँ पर ये जो मैच है वो खोती नजर आएगी। और टीम गॉडलाइक ये मैच 17 फिनिशेस के साथ एक बेहतर विनर विनर।